चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के वाहन चालकों को बड़ी राहत, इन लोगों का माफ होगा 11 लाख ई चालान। योगी सरकार के बाद कोर्ट का भी आदेश जारी। जी रेड सिग्नल जंप करने, ट्रिपल सवारी चलने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने समेत अन्य कारणों से अगर आपका ई चालान हुआ है तो अब जुर्माना नहीं भरना होगा। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर वाराणसी में वर्ष 2017 से 2021 तक के ई चालान ट्रैफिक विभाग की ओर से माफ किए जाएंगे। इसके लिए बीते मई माह में शासन आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन यातायात विभाग में 3 दिन में ई चालान निस्तारित नहीं होने पर वह कोर्ट में चले जाते हैं, इसीलिए शासन के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हो पाया था। अब शासन के बाद भी विभाग इसे अदालती कार्रवाई समझकर चुप था, लेकिन अब कोर्ट ने यातायात विभाग को अपने पोर्टल से 2021 के पहले के सभी ई चालान निस्तारित करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शोहदे की छेड़खानी पर चंडी बनी बेटियां, 2 मिनट ही जान की भीख मांगने लगा शोहदा, जाने क्या किया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूल के आते जाते समय छात्राओं से अश्लील हरकतें करना एक शोहदे को भारी पड़ गया है। शोहदे को छात्राओं ने अच्छा सबक सिखा दिया। दरअसल छेड़खानी पर छात्राओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। जानकारी पाकर परिजन भी पहुंच गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और करहल थाने भेज दिया है। तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं करहल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्राएं हर रोज कस्बा स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। कस्बा के मोहल्ला कस्सावान का युवक सनी कठेरिया पुत्र जगदीश कठेरिया राह चलती छात्राओं से आते जाते समय अश्लील कमेंट करता था। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। यूपी में बारिश अभी भी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के विभिन्न मंडलों में गरज चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं रिमझिम तो कहीं भारी बारिश होगी। विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तारीख का भी ब्यौरा जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार 22 सितंबर को चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में गरज चमक के साथ बारिश होने और कई कई आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल, भीड़ ने फेंकी कुर्सियां, पुलिस के भी फूले हाथ पांव। जी हां, यूपी के जौनपुर में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के गाने गाते ही अचानक हंगामा शुरू हो गया है। देखते ही देखते हंगामा बवाल में तब्दील हो गया, लोग एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। वही हालात इतने काबू हो गए कि पुलिस और कार्यक्रम में मौजूद 300 से अधिक बाउंसर भी कुछ नहीं कर पाए। मौके पर हालात को देखते हुए अक्षरा सिंह वहां से भाग निकली। दरअसल जौनपुर में गणेश उत्सव के प्रोग्राम में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को बुलाया गया था। उस दौरान अक्षरा सिंह ने 2 गाने गाए। तीसरा गाना जैसे ही अक्षरा सिंह ने गाना शुरू किया तो भीड़ ने जोर शोर से हंगामा शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में विश्व कप क्रिकेट से पहले यूपी पुलिस ने 6000 बैंक खाते किए फ्रीज सट्टे के नाम पर हो रही थी ठगी। जी हां, यूपी पुलिस ने विश्व कप का क्रिकेट से पहले सट्टाबाजी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। आज पुलिस ने इनसे जुड़े हजारों बैंक खातों को फ्रीज कराया है। इन खातों से एक साल में 1600 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है। आगरा साइबर सेल ने इनसे जुड़े 27 बेटिंग वेबसाइट और 9 बेटिंग ऐप ब्लॉक कराए हैं। बता दें कि देशवासियों से ठगी के लिए इनका संचालन हो रहा था। शुरू में लोगों को जीत की रकम दी जाती थी, बड़ी रकम लगाने के बाद ग्राहक को रकम नहीं दी जाती थी। साइबर सेल में ऑनलाइन बेटिंग के लिए प्रयोग होने वाले 6000 बैंक खाते व 18000 वर्चुअल यानी आभासी अकाउंट भी फ्रीज कराए गए हैं। फ्रीज खाते में 4 करोड़ से अधिक की रकम जमा है। सभी ऐप विदेशी सर्वर से संचालित थी। फ्रीज कराए गए बैंक खातों में पिछले करीब एक साल में 1600 करोड़ से अधिक रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में वनवास में जहाँ जहाँ से गुजरे श्री राम, वहाँ वहाँ लगेगा पत्थर का स्तंभ, स्थानीय भाषा में लिखी होगी पूरी जानकारी। जी अयोध्या में रामेश्वर तक जहाँ जहाँ से भगवान श्री राम वनवास के दौरान गुजरे थे, वहाँ वहाँ राम स्तंभ लगाए जाएंगे। लाल बलुआ पत्थरों से बने इन पत्थरों पर उस स्थान से जुड़ी वाल्मीकि रामायण के श्लोक व उनके अर्थ लिखे रहेंगे। यही नहीं, उस स्थान पर प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंग, उनकी स्थानीय कहानी भी दर्ज की जाएगी। वहीं अयोध्या से रामेश्वर तक 2090 स्थानों पर ये पत्थर लगाए जाएंगे।
वहीं अयोध्या से रामेश्वर तक 290 स्थानों पर ये पत्थर लगाए जाएंगे। इसका शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से होने जा रहा है। वहीं 30 सितंबर को अशोक सिंघल फाउंडेशन इसकी शुरुआत मणि पर्वत से पहले पत्थर की स्थापना के साथ करेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता व राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम पर बनी अशोक सिंघल फाउंडेशन व हरियाणा की संस्था M2K फाउंडेशन यह पवित्र कार्य कराने जा रहा है। काम की बात, उत्तर प्रदेश में अभी एक सप्ताह में बन जाएंगे आय जाति और निवास प्रमाण पत्र। सीएम ने जारी किए निर्देश। यह प्रदेश में आवेदन करने के लिए अभी एक सप्ताह की अवधि में आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में बदलाव करने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही है। शासन के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही निर्धारित तय समय सीमा को कम करने का आदेश जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंत्री धर्मपाल सिंह ने अफसरों संग की बैठक। बोले, गोवंश के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निर्देश। बोले, सड़कों पर न छोड़े गोवंश। जी, यूपी सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास और नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पशुपालन विभाग के साथ निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि धर्मपाल सिंह ने अफसरों को निर्देश दिया है कि गोवंश के संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष कार्य योजना बनाकर काम करें। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि लोग गोवंश को सड़कों पर न छोड़ें। उत्तर प्रदेश में नए बिल का स्वागत, किन्नरों को भी मिले आरक्षण। नारी शक्ति वंदन बिल पारित होने के बाद किन्नर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर ने कहा, किन्नरों को पीएम पर है भरोसा। जिया, महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद अब किन्नरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस जगी है। किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ सदस्य कौशल्यानंद गिरी यानी टीना मानी, मोदी सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देने वाला विधेयक पारित हो गया, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा है। साथ उन्होंने कहा है कि देश में किन्नरों की संख्या कम नहीं है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है, इसीलिए देश भर के किन्नरों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। किन्नरों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, वहीं किन्नरों को भी आरक्षण देने की जरूरत है ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। यूपी में बिजली बिल की दूर होगी दिक्कतें, आज से उपभोक्ता के घर जाएंगे बिजली अधिकारी। या यूपी में बिजली उपभोक्ता की दिक्कतें दूर करने के लिए ऊर्जा विभाग आज से 24 सितंबर तक विद्युत विभाग आपके द्वार अभियान चलाएगा। पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय ने 193 अधिकारियों को सितंबर तक मीटर रीडर के साथ क्षेत्र के भ्रमण पर निकलने का फैसला किया गया है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक प्रदेश का विद्युत विभाग लगातार उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। यह अभियान पूरे सितंबर माह के लिए पहले से चल रहा है। अब मुख्यालय के अधिकारी इस विशेष सत्र अभियान में जुटेंगी और अभियान को नवंबर तक जारी रखा जाएगा। EWS के आरक्षण का तत्काल लाभ, महिलाओं को जनगणना की शर्त क्यों, स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना। जी हाँ, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब महिला आरक्षण की ओर मोदी सरकार पर निशाना साधा। स्वामी ने सवाल किया है कि जब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी EWS को आरक्षण तत्काल दे दिया गया तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त क्यों रखी गई है। स्वामी ने कहा कि अगले चुनाव को जीतने के लिए यह भी एक जुमला तो नहीं है। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक डाक टिकट को लेकर भी हमला बोला, बुहारी राजगिरी करने को बाध्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, विशेष खंडपीठ करेगी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई, फैसले को दी गई है चुनौती। जी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब विशेष खंडपीठ सुनवाई करेगी। इसके लिए मुख्य न्यायमूर्ति प्रशासनिक आदेश जारी कर अपीलों पर सुनवाई करने वाली विशेष खंडपीठ नामित करेंगे। बता दें कि मुख्य न्यायमूर्ति प्रतिंकर तिवारी और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ के समक्ष आज यह मामला सुनवाई के लिए पेश हुआ। एक पक्षकार के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि अपीलों पर सुनवाई को मुख्य न्यायमूर्ति में विशेष खंडपीठ नामित करने का मौखिक आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रेड शो के चलते 3 दिन बंद रहेगा यमुना एक्सप्रेस वे। गाजियाबाद नोएडा नहीं जा सकेंगे भारी वाहन।
जी अगर आप जिले के यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नोएडा गाजियाबाद दिल्ली जाना चाहते हैं तो दूसरे वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें क्योंकि बेवजह आपको परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट एवं मोटो जीपी बाइक रेस से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में इस बार ऑनलाइन होगा युवक कांग्रेस का संगठन चुनाव, इस तरह कर सकते हैं आवेदन। जी हां, उत्तर प्रदेश से युवक कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव इस बार ऑनलाइन होगा। यह एक नई परंपरा होगी। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश कार्यालय से हो गई है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के 3 प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। यह पश्चिम, मध्य और पूर्वांचल के होंगे। इसी तरह प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्रवार अध्यक्ष चुने जाएंगे और 50 रुपए जमा कर ऑनलाइन सदस्यता देने वाले इन 4 पदों के लिए ऑनलाइन ही मतदान करे जाएंगे। इस दिन 100 रुपए से भी कम होगी फिल्मों की टिकट, ऐसे मनाया जाएगा राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। जी हां, बता दें कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि इस साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। OMAI ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस दिन फिल्म प्रसंग का देश भर के सिनेमाघरों में सिर्फ 99 प्रति व्यक्ति की दर पर सिनेमाघरों में फिल्म देख सकेंगे और इस बार बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई फिल्मों का जश्न भी मनाया जाएगा। तो खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताज़ा अपडेट के लिए उपयुक्त खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान जरूर